पहले बढ़ते हैं महाराष्ट्र के ठाणे का रुख करते हैं, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। ठाणे के बदलापुर में आग लगी है। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। 6 गाड़ियां दमकल की घटनास्थल पर मौजूद हैं। आसमान में धुएं का गुबार आप तस्वीरों में देख सकते हैं। केमिकल फैक्ट्री में पहले धमाका हुआ, धमाके के बाद वहां पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अभी तक आग क्यों लगी, इस वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। तो आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, कितनी भीषण आग है। आसमान में जबरदस्त तरीके से धुएं का गुबार। महाराष्ट्र के ठाणे में ये आग लगी है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, धुएं का गुबार तो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितने भीषण है। और बिल्कुल, राकेश, आग काफी भीषण है और ठाणे जिले के बदलापुर इलाके में आग लगी है। और जिस कंपनी में आग लगी उसका नाम है प्लेटिनम पॉलीमर कंपनी है, केमिकल कंपनी है जिसमें आग लगी हुई है। और यहाँ पर जो खास तौर से जो केमिकल के जो ड्रम रखे हुए हैं उससे ब्लास्ट हो रहे हैं, जो आपको जानकारी मिल रही है। और आवाज काफी दूर दूर तक जा रही है, इसलिए आग काफी बड़ी हो चुकी है। अब दमकल के गाड़ियां यहाँ पहुंची हुई, जल्द से जल्द उनका प्रयास है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, आग और आसपास के इलाके में कहीं ना भड़के और लोगों को तकलीफ और अधिक ना हो। तो जरूर, यह इलाका पूरा एमरजेंसी का इलाका है, तमाम यहाँ फैक्ट्रियां हैं और इस इलाके में आग लगने की वजह हालांकि अभी तक पता चल नहीं पाई है, लेकिन जरूर आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाने का लगातार प्रयास चल रहा है। अभिषेक, वहां पर स्थिति क्या है अभी, आग पर काबू पाने में कितना वक्त लग सकता है? चूंकि जिस तरीके से आपने बताया केमिकल यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में है, काफी ज्यादा मात्रा में है, तो जाहिर सी बात है आग और तेजी से फैल रही होगी। अब बिल्कुल यही वजह है कि आग पर काबू पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दमकल के अधिकारियों को, कर्मचारियों को। और आग पर काबू पाया कह सकते हैं कि अभी यह समय बताना मुश्किल होगा कितने समय में आग पर काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि भिवंडी में पिछले दिनों आग लगी थी तो कई घंटों तक, यानी 16 से 17 घंटे तक लगातार आग पर काबू पाया जाता रहा, फिर से ऐसा जल्दी जल्द आग नहीं बुझाया जा सका। तो यह आग काबू पाया जाने में काफी लंबा समय लग सकता है, लेकिन अभी तक जानकारी यह मिली कि इसमें अभी कोई अंदर फंसा हुआ नहीं है, यानी अंदर कोई जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, वो अंदर नहीं फंसे, जो अब तक जानकारी मिल रही है। इसलिए जल्द से जल्द अभी प्राथमिकता यह है कि जल्द से आग पर काबू पाया जाए, और इसके लिए अभी से 6 से 7 गाड़ियां आ चुकी हैं और भी गाड़ियों को बुलाया जाए ताकि जरूरत पड़े तो यहाँ पर कोई और सुविधाओं की दिक्कत ना पड़े कि आग पानी या सुविधाओं की दिक्कत होती है। चलिए अभिषेक, आपसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भीषण आग महाराष्ट्र के ठाणे में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है, लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है।